एडीजी जोन अखिल कुमार ने ऑपरेशन सिकंजा पर बोलते हुए कहा कि ऑपरेशन सिकंजा के तहत नामी अपराधी माफिया तथा नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार व गैंग रेप और हत्या करने वाले अपराधियों को चिन्हित कर न्यायालय में सजा दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा ऐसे अपराधी जेल जाकर कुछ दिन में छूट जाते हैं तथा न्यायालय में केस लंबा चलता है और ऐसे में वे लोग गवाह को प्रभावित करते हैं और छूट जाते हैं। उन्होंने कहा ऐसे मामलों में पुलिस को प्रभावी कार्रवाई करते हुए न्यायालय में पैरवी करते हुए 6 महीने के अंदर सजा दिलाने का प्रयास करना है जिसका अच्छा परिणाम आएगा। उन्होंने कहा ऑपरेशन सिकंजे की शुरुआत बहुत ही अच्छे ढंग से की गई है। इसमें 1.5 साल की बच्ची से बलात्कार कर हत्या करने वाले अपराधी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया था और DNA सैंपल मैच कराकर निर्धारित समय पर विवेचना खत्म करके न्यायालय भेजा गया और न्यायालय ने भी 60 दिन के अंदर अपराधी को फांसी की सजा सुनाई। उन्होंने कहा इसी तरह से समय से अपराधियों को सजा दिला पाएंगे तो अपराधियों के अंदर भय व्याप्त होगा और कानून का राज स्थापित होगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीजी जोन अखिल कुमार ने कहा सर अभी ऑपरेशन शिकंजा शुरू किया किस तरह की कार्रवाई करते हैं ऑपरेशन शिकंजा के तहत में जो नामी गामी अपराधी हों माफियाओं हों जो जघन्य अपराध करते हैं जैसे कि नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार व हत्या गैंग रेप ऐसे अपराधियों को चिन्हित कर इनको न्यायालय में सजा दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। सामान्यतः ऐसे अपराधी पकड़े जाते हैं जेल जाते हैं फिर न्यायिक प्रक्रिया को में लंबी खींचने की कोशिश करते हैं गवाहों को अपने प्रभावित करते हैं और फिर छूट जाते हैं। तो पुलिस को इसमें प्रभावी कार्रवाई पैरवी करने की आवश्यकता है और ऐसे अपराधियों को हमारा प्रयास है कि 6 महीने के अंतर्गत एक प्रभावी पैरवी करके इनको सजा दिला दें तो इसके दूरगामी परिणाम मिलेंगे। देखा जाए तो 1.5 साल की बच्ची से सजा हुई है देखिए इसकी ऑपरेशन शिकंजा की शुरुआत बेहतरीन शानदार ढंग से की गई है। अभी 1.5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ था और उसके बाद हत्या कर दी गई थी। बहुत ही जघन्य अपराध था और जो दरिंदा अपराधी था उसको तत्काल गिरफ्तार करके उस पर वैज्ञानिक साक्ष्य संकलित किए गए DNA सैंपल्स मैच कराया गया रिकॉर्ड टाइम में विवेचना खत्म करके न्यायालय भेजी गई। न्यायालय ने भी रिकॉर्ड टाइम में उसकी कार्रवाई पूर्ण की और 60 दिन के अंदर अंदर उसको फांसी की दंड सुनाई गई है। इस तरह के अगर हम लगातार लोगों का अपराधी को सजा दिला पाएंगे तो अपराधियों के मन में भय व्याप्त होगा और कानून के राज स्थापित करने में हम और तेजी से आगे बढ़ सकेंगे। काफ़ी हद तक हमें सफलता मिल गई है बट अगर जब हम ऑपरेशन शिकंजा को और आगे तेजी से बढ़ाएंगे तो इस पर अपराधियों पर एक भय अच्छे ढंग से मैसेज जाएगा भय व्याप्त होगा उनके अंदर।